भाजपा संसदीय दल की बैठक और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत हुआ है। तालियां बजाकर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। गुजरात में शानदार जीत पर यह दमदार स्वागत आज प्रधानमंत्री का किया गया और ये तस्वीरें भी आप देखिए, भाजपा के कई जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए, लेकिन सबकी नजर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का आज किया गया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए इन तमाम नेताओं को आप देख सकते हैं और हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। जिस तरीके से गुजरात में शानदार जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद ये पहला मौका था जब बैठक में शामिल हुए और देखिए कैसे भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का किया गया। तालियां बजाकर प्रधानमंत्री का यह भव्य स्वागत किया गया। भाजपा संसदीय दल की बैठक से ये तस्वीरें सामने आई जहां इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। देखिए इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए और सबकी नजरें थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। जैसे ही प्रधानमंत्री का आगमन हुआ कैसे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत सभी लोगों ने किया। तो गुजरात में दमदार जीत के बाद ये नजारा आज देखने को मिला संसदीय दल की बैठक में। जब प्रधानमंत्री पहुंचे इस बैठक में कैसे सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और गुजरात में इस बार भाजपा की तरफ से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। अपना ही रिकॉर्ड भाजपा की तरफ से तोड़ा गया है और ये भव्य जीत हासिल की है गुजरात में। और इसके बाद देखिए कैसे कहीं ना कहीं श्रेय भाजपा की तरफ से दिया जा रहा है गुजरात की जीत को लेकर प्रधानमंत्री को, और इस जीत के बाद कैसे आज संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया वो तस्वीर आपके सामने है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम नेताओं के बीच जब प्रधानमंत्री का आगमन हुआ तो नारों के साथ और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत। ग्रेटर नोएडा कार में अचानक से भीषण आग लग गई। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, आग ने विकराल रूप ले लिया। कमर्शियल बेल्ट के पास कार में ये भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बीटा 2 थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो किस तरीके से आग का कहर आज देखने को मिला है ग्रेटर नोएडा में। अचानक से इस कार में आग लगी और कार चालक ने बमुश्किल कूदकर अपनी जान बचाई है। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया। कमर्शियल बेल्ट के पास कार में ये भीषण आग लगी। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए कैसे धू धू करके ये कार पूरी तरह से जल गई, जिसके बाद कार राख हो गई। हालांकि कैसे ये आग लगी, क्या कारण रहे, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और बीटा 2 थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ग्रेटर नोएडा से ये तस्वीरें सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र का ये मामला है। और अब बड़ी खबर एटा से आपको बता दें, सड़क पर बेकाबू होकर एक कैंटर पलट गया। कैंटर के पलटते ही आग लग गई और देखते ही देखते चंद मिनटों में कैंटर जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। कोतवाली देहात के कासगंज रोड का मामला बताया जा रहा है। तो एटा से ये बड़ी खबर जहां सड़क पर बेकाबू होकर अचानक से ये कैंटर पलट गया और कैंटर के पलटते ही उसमें आग लग गई और देखते ही देखते चंद मिनटों में जो ये कैंटर था ये जलकर राख हो गया। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। कोतवाली देहात के कासगंज रोड का ये मामला है। मौके की तस्वीरें आप देखिए, अनियंत्रित होकर अचानक से ये कैंटर पलटा और पलटते ही अचानक से इसमें आग लग गई, जिसके बाद जो स्थानीय लोग थे, आसपास मौजूद लोग थे, उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर इस आग पर काबू पा लिया है। राहत की बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। कोतवाली देहात के कासगंज रोड का ये मामला बताया जा रहा है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।